हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके साथ एक सूजी की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप झटपट इंस्टेंट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बस हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ मिठाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे और घी को मेल्ट कर लेंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें सूजी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप सूजी ली थी और इसको मिक्सी में पीस लिया है। हमें इसका फाइन पाउडर बना लेना है। अब इसे हम अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे और ऐसी तरह से चलाते हुए 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। और आप इसे लगातार चलाते रहें, वरना सूजी जल जाएगी, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस कुक करना है। तो हमें इसे चलाते हुए अच्छे से मैंने 5 से 6 मिनट 7 मिनट भूंज लिया है। तो हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ली थी और साथ में 1 छोटे चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। और इन दोनों चीज़ों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे सूजी में। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे हमारा कोकोनट मिक्सचर। मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर लिया था, नारियल का बुरादा, और 1 कप मिल्क लिया था। तो आधा कप नारियल के बुरादे और 1 कप मिल्क को मैंने मिक्सी में पीस लिया था 1 मिनट के लिए। और इसे भी अभी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे लो मीडियम ही है और इसे भी मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। चार से पाँच मिनट हमें इसे कुक करना है और आप इसे लगातार चलाते रहें, वरना नीचे से चिपक जाएगा। तो देखिए अब इसने एक डो की तरह ही बन गया है पूरा। तो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, इतना कि हम इसे हाथ में अच्छे से पकड़ सकें, फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो हमारा मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है, तो हम इसके पेड़े बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लिया, आप छोटे बड़े जैसे पेड़े बनाना चाहते हो उसके हिसाब से मिक्सचर ले लो। ऐसे हम दोनों हाथों में रोल करके पेड़े बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पेड़े के शेप में इसे बना लिया है। तो अब मैं इसे नारियल के बुरादे में लपेट दे रही हूँ। आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हो या पर ऐसे भी कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने एक बादाम का टुकड़ा लगाया। आप इस पर पिस्ता या अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हो। तब हम इसी तरह से बाकी पेड़े भी बना लेंगे। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया, उसको राउंड किया, पेड़े की शेप दी, नारियल के बुरादे में उसे कोट किया एंड उसके ऊपर एक बादाम का टुकड़ा लगा दिया। अब सेम तरीके से सारे पेड़े बना लीजिए। तो देखा आपने कितने कम सामान में कितने झटपट पेड़े बनके तैयार हो गए। हमें सिर्फ 15 मिनट लगे और सिर्फ 4 सामान लगे। तो आप भी इस पेड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मेरी न्यू रेसिपी के संग। तब तक टिल देयर टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।